हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। आज का टॉपिक आपका सेट नंबर जी रहेगा। सेट नंबर एफ तक कर चुके हैं। सेट नंबर एफ तक जिन्होंने भी नहीं देखा हो वो देख सकते हैं। आज हम सेट जी पे बात करेंगे। सेट नंबर जी को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में रहता है। इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जिन जिन का भी आंसर आया था सेकेंड, उनका ठीक आंसर था, एक बार देख लेते हैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, आप इसी सेशन में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट है। 8 आंसर इसका करेक्ट होगा। कह रहा है इफ़ डिवाइड इक्वल टू 11, सॉरी डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस, प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई और माइनस इक्वल टू डिवाइड। ये सारे सिंबल जो इक्वल में हैं, दैट मीन्स इसको रिप्लेस कर रहे हैं। आपको बताना है देन टू प्लस, प्लस की रिप्लेसमेंट में कौन है मल्टीप्लाई, 8, मल्टीप्लाई की रिप्लेसमेंट में कौन है माइनस, 16, माइनस माइनस की रिप्लेसमेंट में कौन है डिवाइड, 4, और डिवाइड की रिप्लेसमेंट में है मल्टीप्लाई 2। तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से आपका 2 × 8 और माइनस में यहाँ से 4 हो जाएगा ना, और 4 उसके बाद आपको क्या करना है, 4 यहाँ से 4 × 2 = 8 माइनस, और 8 × 2 = 16, तो यहाँ से 16 − 8 = 8 आ गया। 8 के साथ हमारा सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। सेट नंबर डी के पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेट नंबर जी केवीएस पीआरटी कोड सेट जी। सेट नंबर जी की भी रीजनिंग सेक्शन, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन कराऊंगी, मैथ्स करा दूंगी, इंग्लिश हिंदी जो भी इसके अंदर सेक्शंस है पैडागोजी, वो सभी वन बाय वन ले लेंगे सेक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 41 से अपनी रीजनिंग स्टार्ट होती है, अब तक याद हो गया होगा आपको। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगी। देखिए, क्लोज कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाएगा। देखिए, करिए इस क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व कीजिए। रीजनिंग का सेट नंबर जी का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेट नंबर जी का पहला क्वेश्चन निकालिए, एक बार खुद से निकालिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन वाले चैप्टर से। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और 4 कॉन्क्लूजन दे रखे हैं। देखो, ये बात मैंने आपको बता रखी है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन वाले में, कि आपको 2 स्टेटमेंट के साथ 2 कॉन्क्लूजन दे दे, या 2 स्टेटमेंट के साथ 3 कॉन्क्लूजन, 4 कॉन्क्लूजन, कुछ भी दे दे। आपको पहचानना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से कॉन्क्लूजन पहला, दूसरा सही है, पहला, तीसरा सही है, पहला, चौथा सही है, या फिर दूसरा और चौथा सही है। करो, सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ। ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन, सभी ग्रीन ब्लू हैं। ऑल ब्लू आर वाइट, सभी ब्लू वाइट हैं, ये थोड़ा बाहर आएगा, ठीक है, सभी ब्लू वाइट हैं। तो ऐसा करते हैं, इस डायग्राम से ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये हैं आपके ग्रीन, ये हैं आपके ब्लू, और ये हैं आपके वाइट। अब करो, कॉन्क्लूजन कहता है सम ब्लू और ग्रीन। पहला देखो, क्या पहला कॉन्क्लूजन सही है, सम ब्लू, सम ब्लू आर ग्रीन, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे ग्रीन ही ब्लू हैं, बिल्कुल फर्स्ट कॉन्क्लूजन राइट है हमारा। फर्स्ट राइट है, तो पहले फोर्थ को काट दो आप, ठीक है। सम वाइट आर ग्रीन, कुछ वाइट, कुछ वाइट ग्रीन है, बिल्कुल है, क्योंकि सभी ग्रीन वाइट हैं, तो कुछ वाइट ग्रीन हो गए। सेकेंड भी बिल्कुल ठीक है, सेकेंड ठीक है, तो आपका थर्ड कैंसिल, क्योंकि इसके अंदर सेकेंड नहीं है ना, रिजेक्ट करते जाएंगे। अच्छा, फिर तो ये सेकेंड भी नहीं है, तो फर्स्ट ही हो गया अपना आंसर। फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकेंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। बाकी एक बार देख भी लो, ऑल वाइट आर ब्लू, ये तो बिल्कुल गलत है, ऑल वाइट आर ब्लू, सभी ब्लू वाइट है, लेकिन वाइसे वर्षा नहीं होता, सभी वाइट ब्लू नहीं है, तो गलत है। फोर्थ बात, सम ग्रीन आर नॉट वाइट, कह रहा है कुछ सफ़ेद, कुछ हरे सफ़ेद नहीं है, कुछ सफ़ेद हरे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कुछ ग्रीन्स जो हैं वो तो वाइट हैं, ठीक है। कौन सा सही हो गया, फर्स्ट इसका आंसर है, आप सभी का भी फर्स्ट आंसर है। फिर सभी का ही सही है। 42 पे बात करते हैं, 42 को थोड़ा क्लोज करती हूँ, 2 मिनट दूंगी, आप कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। करो करो, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये ओ का पी रू मीन्स, इसका मतलब है फाइन क्लोथ। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको
कोडिंग, कोड लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस कोड को ये बोला गया, इस कोड को ये बोला गया, तो इस वर्ड को लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आते हैं और सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। इसको मैं प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे लाइव क्लास में कराऊंगी। फिलहाल के लिए जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको आप स्क्रीन पे ही करें, अदरवाइज लाइव क्लास में ये चैप्टर करा दूंगी। ठीक है, बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओकापीरू को बोल रहा है फाइन क्लोथ, मेटालिसा को बोल रहा है क्लियर वाटर, डोना लिसा पेरू को बोल रहा है फाइन क्लियर वेदर, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आप सभी अपना अपना आंसर निकाल के फटाफट से चैट में लिख के बताएं और फिर हम अपना आंसर देखेंगे क्या होगा। देखिए मैंने इसमें क्या बताया था कि जैसे ये ओका पीरू है, इसको फाइन क्लोथ बोला गया है, इसके अंदर कोई भी ऐसे, देखिए ओका पीरू को फाइन क्लोथ बोला गया है, ठीक है, जो कॉमन हो। ठीक है, मेटा लिसा को बोला गया है क्लियर वाटर, क्लियर है, ये क्लियर है और ये क्लोथ है, ध्यान रखिएगा। ये सी सी पे मतलब थोड़ा लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऐसे कर रही हूँ। और उसके बाद कह रहा है डोना लिसा पीरू, डोना लिसा पीरू को बोला गया है फाइन क्लियर क्लोथ, ठीक है, फाइन क्लियर वेदर, सॉरी फाइन क्लियर वेदर, समझ पा रहे हैं। अभी देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से पी मीन्स ये जो पीरू पीरू है कॉमन है, तो यहाँ से क्या कॉमन है, फाइन कॉमन है और फाइन कॉमन है बस। इधर यहाँ पे देखो क्लोथ है और यहाँ क्लियर है, ये दोनों सी कॉमन नहीं है, कभी आप सोचो एफ सी कॉमन है, नहीं, यहाँ सिर्फ फाइन कॉमन है। कहने का मतलब ये है पीरू को फाइन का नाम दिया गया है, ठीक है। सो इसका कलर चेंज कर लेती हूँ वरना सारी कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। इसके बाद कहता है कोई और दो कॉमन लो, यहाँ से एल वाला अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या कॉमन है, ये डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू का मतलब वेदर, तो वेदर का मतलब हो गया आपका कौन सा, ये एल, एल का मतलब हो गया आपका, क्या कन्फ्यूज़न हो रही है हमारी, लिसा क्लियर वाटर, ठीक है, सो मेटा लिसा मीन्स क्लियर वाटर, और आपका यहाँ से टूना लिसा पीरू, पीरू का मतलब हो गया आपका फाइन, फाइन हो गया यहाँ से, अब बचा है क्लियर वेदर, अच्छा सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू नहीं, यहाँ की क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू वाटर है, यहाँ पे डब्ल्यू वेदर है, तो यहाँ पे क्लियर सेम है, क्लियर आपका सेम है, तो किसका मतलब हो गया क्लियर, यहाँ से आपका लिसा, लिसा का मतलब हो गया, लिसा का मतलब हो गया क्लियर, क्लियर है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब आपको, लिसा का मतलब है क्लियर और आपका पेरू का मतलब है क्या आया था अभी, फाइन, ठीक है। अब आपको बताना है वेदर का, वेदर का तो देखो फाइन का मतलब आ गया, क्लियर का मतलब आ गया, ठीक है। सो पीरू और लिसा तो कौन बचा है, डी ओ एन ए डोना, तो वेदर का मतलब क्या हो जाएगा, डोना। सो आप सभी स्टूडेंट्स का फोर्थ सही है, जिनका भी रिप्लाई फोर्थ आया है, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ी कम जगह होती है ना इसलिए अच्छे से नहीं हो पाता, बट आप सब अपनी नोटबुक्स में कर रहे होंगे, सो आई होप आपका जल्दी से निकल आया होगा, मेरे से भी पहले, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 को करो पहले खुद से, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। किसी कक्षा में, किसी विद्यालय में, मींस इन ए स्कूल देयर वर फाइव टीचर्स, पांच अध्यापक हैं, ए एंड बी टॉट हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, ए और बी जो हैं, ए बी सी डी ई, पांच अध्यापक हैं, ए बी सी डी ई, ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अंडरलाइन करते जाओ, ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सी और डी टॉट इंग्लिश एंड जियोग्राफी, डी एंड ए टॉट मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ई एंड बी टॉट हिस्ट्री एंड फ्रेंच, हु अमंग द टीचर्स टॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बताना है कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। ए करो, कैसे करोगे, हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख लो, ए हिंदी इंग्लिश वाली बड़ी आफत है, ए एंड बी, ए एंड बी कौन पढ़ा रहा है, ए एंड बी पढ़ा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, सी और डी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और जियोग्राफी, ठीक है, डी एंड ए पढ़ा रहे हैं, डी एंड ए मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ठीक है, ई एंड बी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और फ्रेंच, ठीक है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री और हिंदी में कन्फ्यूज़ मत होना, ये ऊपर वाले बाकी के सारे हिंदी थे, क्लियर है।
हैं, हु अमंग द टीचर टॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन पढ़ा रहा है, ए बी सी या ई? देखो डी का तो नाम ही नहीं है, तो आपको डी को तो चेक भी नहीं करना, ठीक है, डी को चेक मत करना। ए हिस्ट्री है और इंग्लिश है, हिस्ट्री इंग्लिश। देखो यहाँ पे ए का कितने सब्जेक्ट हैं, ये हिस्ट्री पहले वाले का हिस्ट्री था, हिस्ट्री नहीं सॉरी हिंदी और इंग्लिश था, पहले वाले का हिंदी और इंग्लिश है, तो ए और बी के, ए के हो गए हिंदी इंग्लिश और ए का क्या हो गया मैथ्स, और अगेन ये हिंदी है ना, हाँ, तो ए के पास हो गए तीन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका ए के पास हो गए तीन सब्जेक्ट, बी की अगर बात करें, बी के पास हो गया हिंदी इंग्लिश और हिस्ट्री और फ्रेंच, तो बी के पास हो गए चार सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करी जाए, अगर आपसे बात करी जाए किसकी, सी और ई की, सी के पास है ये इंग्लिश और जियोग्राफी, बस दो ही हैं, सी के पास दो हैं। अगर बात की जाए डी को हमें लेना नहीं, ई के पास भी दो ही हैं, हिस्ट्री और फ्रेंच, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, बी के पास, बी चार सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सो बी जो हैं वो टीचर हैं, हु अमंग द टीचर टॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सो कौन है, बी, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, चार। अगले क्वेश्चन को करो, करो क्वेश्चन नंबर 44। इफ़ रेन इज़, बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ़ रेन इज़ वाटर, अगर रेन वाटर है, करो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वाटर इज़ रोड, कह रहा है रेन अगर पानी है, वर्षा जो है पानी है, पानी जो है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, आकाश समुद्र है तथा समुद्र रास्ता है, तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है। सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, हवाई जहाज उड़ता कहाँ है, आकाश में, ठीक है। अब आकाश का मतलब, आकाश क्या है, समुद्र है, तो अब आपको क्या देखना है कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, मीन्स आपको देखना है कि आकाश समुद्र है, समुद्र को क्या बोला गया है, ठीक है। सो इसको करो, कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले कह रहा है, अगर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, रेन वाटर है, वाटर रोड है, रोड क्लाउड है, क्लाउड स्काई है, स्काई सी है, और सी पाथ है, ठीक है, ये है। वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है स्काई में, आकाश में, लेकिन स्काई को क्या बोला गया, सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, सी का मतलब समुंदर, आप सभी का ही समुद्र इसका आंसर आना चाहिए, भी नहीं आया तो देखें क्यों नहीं आया, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, सी समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने में कंजूसी ना दिखाया करें, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं, ये आज आपकी ए बी सी डी ई एफ जी सेवेंथ PDF है आपके आगे जो सॉल्व करा रही हूँ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट थ्री आउट ऑफ द फाइव अल्टरनेटिव फिगर्स विच वेन फिटेड इन टू ईच अदर फॉर्म ए कम्प्लीट स्केयर। स्केयर कैसा होता है, ऐसा, कह रहा है इसमें से पांचों में से ऐसी कौन सी फिगर को हम फिट करते जाएं, जैसे ये फिगर्स दे रखी हैं आपको इस टाइप से, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है, ये इस टाइप से आपको जो फिगर्स दे रखी हैं पाँच, उसके अंदर कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जो इस स्केयर को फिट कर रहा है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, करो खुद से सॉल्व करो, एक दो तीन, पहली तीन, या एक दो चार, या एक दो पाँच, या फिर दो तीन पाँच, बताओ, सोचो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या आंसर लगा के आएंगे आप, अगर आपका ये पेपर एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर काउंटिंग, फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, फिगर फॉर्मेशन है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स है, ये सभी चैप्टर्स किसके अंदर आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएंगे। आपको इसमें पेन कॉपी नहीं चलाना, थोड़ा दिमाग चलाना है बस, ठीक है, दिमाग है तो चला लीजिए। सो देखिए, अगर हम बात करें ये स्केयर की, ठीक है, मैंने बात किया ये स्केयर की, ये हमें बनाना है इस स्केयर का। देखो ये वाला टुकड़ा तो हमें साफ साफ दिख रहा है, टू होना चाहिए और टू सब में है, कोई शंका नहीं है, टू सब में है, तो ये जब ऐसे बना, टू तो सब में है, अब अपने को क्या बनाना है, अगर हम स्केयर को कंप्लीट करें ऐसा, ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ, क्लियर है, फिर हमें क्या चाहिए, अब ये, ठीक है, अब देखो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कहाँ है, समझ रहे हो, एक ही बड़ा टुकड़ा तो ये रहा, दो टुकड़े और हैं, तो ढूंढो कहाँ का है, एक तो ये वाला टुकड़ा है और एक ये वाला, अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, ये देखो, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर
45 का फर्स्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फर्स्ट दिया है उनका बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 से ही अपने को स्केयर बनता दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 करो। क्वेश्चन नंबर 46 आपका डाइस का क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराया गया है। इस डॉट के अपोजिट क्या होगा, इस डॉट के अपोजिट सिंबल आर डॉट, डॉट है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्केयर है, क्रॉस है, एरो है, ये सारे सिंबल्स हैं इस डॉट के अकॉर्डिंग, इसके अपोजिट, इस डॉट के अपोजिट क्या होगा बताओ, इसके अपोजिट क्या होगा। सोचे, इतने बड़े क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, इतना बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ है, क्यूब है, 6 डिफरेंट साइड्स हैं, हमें पता है डिफरेंट सिंबल्स दे रखे हैं, तो सिंबल्स कौन कौन से हैं वो बता रहा है, डॉट, सर्कल, ट्राइंगल, स्केयर, क्रॉस, एरो, आप सभी को दिख रहे हैं, इसको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन के मुद्दे पे आइए, सीधा पूछता है आपसे इस डॉट के अपोजिट क्या है, दैट्स इट, आपको भी टाइम बर्बाद नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में, सिंपल मुद्दे पे आया करो कि इस किसके सामने पूछा है और फटाफट से निकाल दो, बताइए। इसके अंदर वो लगा दो, आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लगा दो, कोई भी दो उठा लीजिए, जैसे कि हमने ये दो उठा लिए, ठीक है। इस दो में सबसे पहले मैंने क्रॉस से उठाया, क्रॉस क्योंकि इन दोनों में क्रॉस कॉमन है ना, मैंने क्या बताया हुआ है, ऐसे कोई दो उठा लेने जिसमें एक कॉमन हो, तो क्रॉस क्रॉस अगर मैंने उठा लिया क्रॉस, फिर ये फील्ड वाला भरा हुआ, और फिर ये ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ से उठाऊँ क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ तो फील्ड और क्रॉस, फिर ये एम्प्टी सर्कल, और फिर ये एरो, मीन्स इस ट्रायंगल के सामने है एरो, इस फील्ड स्क्वायर के सामने है सर्कल, और इस क्रॉस के सामने वो होगा जो हमें विजिबल नहीं है, वो कौन है, वो डॉट, तो डॉट आ गया, तो दैट मीन्स इस डॉट के अपोजिट कौन है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, 46 का फोर्थ बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने फोर्थ दिया है, जिन्होंने नहीं दिया भाई साहब वो अपना चेक करें उनकी कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 फिर वही रामकथा नहीं पढ़नी, 20 को लिखा हुआ है ये वर्ड्स में, 11 को लिखा हुआ है वर्ड्स में, 12 को कैसे लिखेंगे, समझ रहे हो बात, 20 को गिवन है और फिर आपको 11 को गिवन है और फिर आपको 12 का पूछा है, बताओ। देखो कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन आता है और हम उलझे रहते हैं कि हाय राम इस 20 को क्या लिख रखा है, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, जस्ट वेट करो। सो देखिए, ठीक है, सो अब आपको ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ढूंढते रहेंगे 20 को क्या लिखा है, 8, 6, 3, 9, 8, 5, अब इसको बनाने बैठ देते हैं, T20 होगा, ये इससे कैसे बन रहा है, ये W क्या है, ये 6 कैसे बना, E5 है, 3 कैसे बना, सो कितनी बार ये दिमाग चलाने बैठ जाते हो, ये दिमाग नहीं चलाना होता कभी भी, ऐसे डायरेक्ट चलाना है लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं। अब देखो 20 और 11 के कोड गिवन है ना, तो सबसे पहले ये पहचानो कि जिसका कोड पूछा है, जैसे 12 का पूछा है, तो वो क्या 12 इसके अंदर बन रहा है, देखो T है, W है, E है, L इसमें है, V इसमें है, E इसमें है, जब है आपका 12 तो एज इट इज़ इसके नंबर्स को कॉपी करो कि इसको क्या कोड दिया है, सिंपल वे में 12 को निकाल दो, बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, इसको नहीं कराने वाली मैं, 47 क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर है 12 का कोड, इस 12 का कोड है 863203, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सोचो ब्लड रिलेशन, आपके कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से ना बोर्ड पे कराने हैं, क्लॉक, कैलेंडर, और ये ब्लड रिलेशन, और आपका डिस्टेंस डायरेक्शन, और आपका जो भी जितने भी ऐसे मुश्किल मुश्किल चैप्टर्स हैं ना, वो सारे आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप पे कराना पड़ेगा, ठीक है। सो बताइए, सोचो इस 48 क्वेश्चन का जवाब दो, ले लो एक दो मिनट ले लो, करने में टाइम लगता है। यदि P प्लस Q का अर्थ है, देखो अब फिर से वही चीज़ है, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, मतलब आपको टाइम जितना हो सके बचाना है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना कि यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन इसको शॉर्ट में अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कि ये जो प्लस सिंबल है, ये जो प्लस सिंबल है वो हस्बैंड के लिए, बात को समझ रहे हो, सिंपल। अब आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा कि P प्लस Q का मतलब है P Q का पति है, नहीं, क्या मतलब है, सिर्फ प्लस, प्लस कौन है, हस्बैंड, डिवाइड कौन है, सिस्टर, बहन, मल्टीप्लाई कौन है, पुत्र, पुत्र मतलब सन, बस। अब आपको ये पढ़ना है बार बार, 10 बार पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ऊपर का
यहाँ तक का नहीं पढ़ना। तो इनमें से कौन सा दर्शाता है कि ए बी की पुत्री है, मीन्स ए पुत्री है, मीन्स ए डॉटर है किसकी, बी की। अब बी का जेंडर नहीं गिवन, बी माता जी भी हो सकती हैं ए की और बी पिताजी भी हो सकते हैं ए के, ठीक है। ए लड़की है ये कन्फर्म्ड है, बी के जेंडर का हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, ए की मदर है या फादर है, ठीक है। तो इनमें से ए कौन दर्शाता है कि ए बी की पुत्री है, कौन सा दर्शाएगा बताओ। 48 क्वेश्चन का जवाब दो। देखो सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी का मतलब है सी बेटा है किसका, बी का, अच्छा, और बी बहन है ए की, गलत हो गया क्योंकि बेटी बनाना है हमें, तो ए फर्स्ट गलत। सेकंड देखो, इसको दिमाग में सोचना है, इसको करने मत बैठो। बी प्लस सी, बी हस्बैंड है किसका, सी का हस्बैंड है तो सी वाइफ हो गई ऑटोमेटिकली, और सी मल्टीप्लाई है सी बेटा हो गया, बिल्कुल गलत है। डी मल्टीप्लाई बी सन प्लस सी हस्बैंड और डिवाइड ए सिस्टर, बहन नहीं है बेटी है। ए डिवाइड बी, ए डिवाइड ए बहन है, ए बहन है किसकी, डी की, और डी मल्टीप्लाई बी, डी बेटा है किसका, बी का, बी का, हाँ तो ये बन रहा है फोर्थ बन रहा है। भाई आप सभी का फोर्थ बना है क्या आपका, हाँ फोर्थ आंसर वाले बिल्कुल सही हैं, जिन जिन ने फोर्थ दिया है वो बिल्कुल सही है, मेरा क्वेश्चन में ध्यान था, मैंने आपका चैट नहीं पढ़ी। सो डी आंसर बिल्कुल, मतलब फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए बहन है, ए लड़की है, कन्फर्म्ड हो गया किसकी, डी की, ए और डी भाई बहन है, और आगे डी, डी है बेटा क्योंकि मल्टीप्लाई सन है, डी है बेटा किसका, बी का। अब बी हमें नहीं पता ना जेंडर कौन है, वहाँ यहाँ भी यही बात थी, ठीक है, यहाँ भी यही बात थी, ए बी की पुत्री है बताना है, लेकिन बी मेल है या फीमेल है हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहीं भी यही का है, ये डी और ए दोनों भाई बहन हैं, तो बी का बेटा है डी, बी की बेटी है ए, बी का जेंडर नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49 करो, बड़ा मस्त क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके लिए, बताइए ये 50th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको 49 अभी करना है, करो। हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो। आशीष सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व अपना घर छोड़ देता है। आशीष सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व, 7 बजे से 20 मिनट पूर्व का क्या मतलब है, 6:40 पे अपना घर छोड़ देता है। मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप साथ साथ बनाओ, डायग्राम बनाओ इसका। आशीष लीव करता है अपना हाउस 20 मिनट्स to 7 इन द मॉर्निंग, 7 बजने में 20 मिनट पहले, दैट मीन्स 6:40 पे। वह कुनाल के घर पर 25 मिनट में पहुँचता है, दैट मीन्स 25 मिनट्स। देखो मैं साथ साथ बनाना शुरू करती हूँ। 6:40 पे अपने घर से निकलता है, ठीक है, 25 मिनट और लगे, 25 मिनट और लगे तो 6:40 और आपका बन गया 7:05। 7:05 पे वो कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता करते हैं, अगले 15 मिनट में नाश्ता किया तो 7:20 हो गई उन्हें वहीं बैठे बैठे, और ऑफिस के लिए निकलते हैं जिसके लिए उन्हें 35 मिनट और लगते हैं, 35 मिनट और लगे और वो 35 मिनट बाद अपने ऑफिस पहुँच गए, कितने, 7:55 पे, 7:55 पे ना, 20 और 35 55, 7:55 पे ऑफिस पहुंच गए। वे कितने बजे कुणाल के घर से ऑफिस के लिए निकले थे। अब देखो ये अपने घर से पहुंचे थे 25 मिनट में कुणाल के घर, और कुणाल के घर से नाश्ता करते हुए 7:20 पे निकले थे, तो वो कह रहा है वे कितने बजे कुणाल के घर से ऑफिस के लिए निकले थे, 7:20। क्या इसका आंसर होगा, 7:20। क्वेश्चन समझ आया है? कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता है एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क के लिए देके जाती हूँ, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होता है। ये इसलिए क्योंकि लाइव चैट में आप फटाफट से इसका आंसर लिख देंगे, जिसका सही होगा पता चल जाएगा, जिसका गलत होगा पता नहीं चलेगा। कमेंट में आप पर्सनली लिखेंगे तो जिससे कि मुझे पता चल सकेगा आप अपनी कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आपको अगला जो कौन सा कोर्स चाहिए, कोर्स इन द सेंस कौन सा सब्जेक्ट अगला चाहिए, इंग्लिश हिंदी रीजनिंग जो भी होगा,
रीजनिंग तो चल ही रहा है, खैर इसके बाद आपका वही करा दिया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले सेट नंबर जी के बाद एच में।